दरम्यान धर्मसंसदेतील प्रक्षोभक वक्तव्याला हरिद्वार मधील काही साधूंनी विरोध केला आहे. देखिए, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। जो हमारे ऋषि मुनि ने जो हमारे को ज्ञान दिया है, गुरु ने जो ज्ञान दिया है, उसमें सभी जो धर्म समान है। किंतु जब भी अनधिकार कोई चेष्टा करता है वो गलत है। सभी को जो है अपने अपनी सीमाएं में रहना चाहिए और सभी सुरक्षित रहें, सभी अपने अपने धर्मों को फॉलो करें। एक एक दूसरे के ऊपर जो चिकड़ उछालना है वो ठीक बात नहीं। जो हमारा जो धर्म है, जो भगवा हमने पहना है, उसी के तहत अपनी भाषा का प्रयोग करें। ज़्यादा ऐसा भड़ा के चढ़ा के या लोग खुश हो जाएं ऐसा मत देखिए। आप ये देखिए कि हम बोलने क्या जा रहे हैं और क्या उचित है क्या अनुचित है, और ये जो भी बोला गया है मेरा मानना ये सही नहीं है, बहुत अनुचित अनुचित है, ये यही मेरा मानना है। आणि याच मुद्द्यावर करणी सेनेचे अजय सिंग सेंगर आणि सामाजिक कार्यकर्ते ऍडव्होकेट असीम सरोदय यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे, पाहूयात. देशामध्ये हिंदूवर प्रचंड अन्याय आणि अत्याचार होत आहे. या ठिकाणी 7 वर्ष झाले मोदी सरकारला, कारण त्यांनी समान नागरी कायदा आणलेला आहे. या देशामध्ये मदरशामधून आतंकवादी निर्माण होत आहे, कारण मदरशावर यांनी आतापर्यंत बंदी आणली या ठिकाणी. आणि एकीकडे म्हणतात सनातन संस्था झाले या करणी सेना झाले यांच्यावर बंदी आणा. हा, या खरोखर या देशाला हिंदूंना आता गांधी मार्गावर नव्हे, 80च्या मार्गावर नव्हे, तर नथुराम गोडसे यांच्या मार्गावर चालावं लागेल, तर हा आमचा देश वाचेल.